नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पाठ 2 भोजन के घटक का भाग 2 पढ़ेंगे। कल हमने भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इनका यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व विटामिन, इनका परीक्षण करने के लिए हमने कल 3 विलयनों के बारे में पढ़ा। आयोडीन का तनु विलयन, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला देते हैं, जिससे हमें आयोडीन का तनु विलयन प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट विलयन में बनाने के लिए हम 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलते हैं और इससे हमें कॉपर सल्फेट विलयन प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा विलयन बनाने के लिए हम 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलते हैं, जिससे कि कास्टिक सोडा विलयन प्राप्त होता है। इस विलयन आयोडीन का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन व कास्टिक सोडा विलयन, तीनों ही विलयनों का उपयोग हम भोजन के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के परीक्षण के लिए करते हैं। सबसे पहले क्रियाकलाप 2 पढ़ते हैं। इसमें इसका टॉपिक है मंड के लिए परीक्षण। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट, कल हमने पढ़ा था विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, यानी जो मंड है वही कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। जिस भी खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति होगी यानी कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित करते हैं, जिसके लिए हमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है वह हम करते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेते हैं। जिस खाद्य का हमें परीक्षण करना है उसका हम कच्ची सामग्री के रूप में अल्प मात्रा लेते हैं। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं। जब यह आयोडीन विलयन की बूंदें इसमें हम डालते हैं तो उस खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। हम देखते हैं कि वह जो खाद्य पदार्थ है वह नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी जिन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होगी वह या तो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा। यह चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक भैया है और एक बहन है। इनके पास कुछ सामग्री है जिससे यह मंड का परीक्षण कर रहे हैं। इन्होंने एक आलू लिया है, एक चाकू, एक प्लेट और आयोडीन विलयन। पहले इन्होंने कच्चे आलू को आधा काट लिया। आधा काट कर इन्होंने इसे प्लेट में रखा। फिर आयोडीन की कुछ बूंदें ड्रॉपर की सहायता से इन्होंने आलू के ऊपर गिराई और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात जब देखा तो आलू का जो रंग है वह नीला या काला हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में उपस्थित है। इस परीक्षण मंड के परीक्षण के द्वारा आप किसी और अन्य खाद्य पदार्थ में भी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण, प्रोटीन के परीक्षण के लिए भी हमें खाद्य पदार्थ चाहिए।
प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, जो दूध होता है वह भी प्रोटीन का ही पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, लेकिन वह तरल अवस्था में है। अगर हमें उसका प्रोटीन का परीक्षण करना है तो उसे चून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वह पानी में आसानी से घुल जाता है। लेकिन जैसे चना है, राजमा है, दालें हैं, इन सब में जो प्रोटीन होता है और वह किस रूप में होती है, ठोस रूप में होती है, तो सबसे पहले इन दालों का, चने का हमें चून बनाना पड़ता है। अर्थात इनकी थोड़ी मात्रा को पहले पीस कर या मसल कर उसकी चून का एक साफ परख नली में डाल देते हैं, और उस चून में उसके बाद 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं। हिलाने के पश्चात हमें उस चून का अच्छा सा पेस्ट प्राप्त होता है। अब ड्रॉपर की सहायता से उस परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन व 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालते हैं और कुछ उसे अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख देते हैं। कुछ समय पश्चात जब हम देखते हैं तो परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन पाया जाता है उनमें इस परीक्षण को आप दोहरा कर उसमें प्रोटीन उपस्थित है या नहीं है इसका पता लगा सकते हैं। यदि उस खाद्य पदार्थ का रंग इस विलयन को मिलाने के पश्चात बैंगनी रंग हो जाता है, यानी उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। अब वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यानी यदि आप देखेंगे आपके घरों में जो नारियल है, जो काजू है, जो बादाम है, जब उन सबको हम कागज पर रख कर कूटते हैं तो उस कागज पर तेल के निशान जैसे आ जाता है, यानी तेल के धब्बे बन जाते हैं। ये तेल के धब्बे उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। हमें वसा के परीक्षण के लिए किसी प्रकार के विलयन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो वसा है वह एक तेल का ही प्रकार होता है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो?
यानी सभी जो पोषक पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ है, किसी किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक जो पोषक तत्व भी हो सकते हैं, जैसे बादाम में प्रोटीन भी होता है और वसा भी होती है, दूध में भी प्रोटीन भी होता है और वसा भी होती है। हमने तीन पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो बच्चों, इन सभी पोषक तत्वों यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि पोषक तत्वों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम भाग 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।